की बीकानेर पूर्व विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सिद्धि कुमारी ने घूंघट को महिलाओं के सम्मान का प्रतीक बता दिया। राजस्थान की कोलायत विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार पूनम कंवर के घूंघट में नामांकन करने पर काफी चर्चा हुई, जिसके बाद सिद्धि कुमारी ने भी घूंघट को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बता दिया और उसे महिलाओं के सम्मान और राजस्थान की परंपरा से जोड़ दिया। जो ये घूंघट है वो हमारी एम्पावरमेंट और राजस्थान की इमेज है, राजस्थान को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अंदर हम लोग बहुत फकर करते हैं हमारे घूंघट की। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि महिलाओं का घूंघट करने का फैसला उनका खुद का होता है। बीकानेर के राज परिवार से आने वाली सिद्धि कुमारी बीजेपी के टिकट पर बीकानेर पूर्व से तीसरी बार चुनाव लड़ रही। झारखंड के जमशेदपुर में एक हाईवे पर फोरलेन बनाने के समय एक मजदूर की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने सड़क बना रही निजी कंपनी से मुआवजे की मांग की और इस मांग को मनवाने के लिए उन्होंने हाईवे पर जैम लगाकर हंगामा किया। हाईवे पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों में मजदूर के परिवार वाले भी शामिल थे। हंगामे के समय कई महिलाएं भी मौजूद थी। इस हंगामे की वजह से हाईवे पर लंबा जैम लग गया। लोगों ने हादसे में मारे गए मजदूर का शव भी हाईवे पर रख दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि अंडरपास की दीवार का हिस्सा गिरने की वजह से मजदूर की मौत हुई। इस हादसे की वजह से पीड़ित परिवार में मातम छा गया। हाईवे पर लगे जैम को खुलवाने के लिए पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की। फोरलेन बना रही निजी कंपनी ने भी पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन लोग 15 लाख के मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस ने भीलवाड़ा में 100 से ज्यादा तलवारें और 30 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद करने की जानकारी दी। आरोप लगा कि अवैध शराब चुनाव में लोगों को बांटने के मकसद से लाई जा रही। जबकि भारी मात्रा में बरामद हुए धारदार हथियारों को किस मकसद से भीलवाड़ा लाया गया, इसकी तफ्तीश में पुलिस जुट गई। पुलिस ने बरामद हुई 100 से ज्यादा तलवारों, 57 कटार और दूसरे धारदार हथियारों को मीडिया के सामने रखा। इस मामले में 4 लोगों को अरेस्ट करने की भी जानकारी दी गई। मकसद तो इनका भी तफ्तीश में पता पड़ पाएगा, चुनाव के हिसाब से मंगाइए क्या मंगाइए। इसके साथ ही भीलवाड़ा में पुलिस की एक दूसरी टीम ने 30 लाख रुपए की शराब बरामद की। आरोप लगा कि ये शराब अवैध तरीके से हरियाणा से मध्य प्रदेश पहुंचाई जा रही थी। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को सभी 230 सीटों पर एक साथ वोटिंग होनी है।